आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है इस साउंड बार का, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अमेजोन की न्यूली लॉन्च साउंड बार, इसको मैंने अंडर 1000 बाय किया है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये साउंड बार कैसी है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और इसका कैसा आउटपुट है, और क्या ये आपके टीवी की साउंड को रिप्लेस कर सकती है, इट मीन्स कि आप इसको टीवी के साथ यूज़ कर सकते हैं घर पर। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और साथ ही अगर जो आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहले आपको ये एक पाउच देखने के लिए मिलता है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। इसमें आपको ये एक ऑक्स केबल दी हुई है और साथ में ये एक चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी वाली केबल मिलती है। तो ये रही हमारी साउंड बार, और साथ में आपको ये एक लैब मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है, तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। आगे की तरफ को आपको स्टील वाला टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर जो हम बॉडी की बात करें तो इसमें आपको ये हार्ड प्लास्टिक दी हुई है। 1000 के हिसाब से बिल्ड अच्छी है। अगर जो हम बटन्स की बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको 5 बटन दिए हुए हैं, एक ये ऑन ऑफ का बटन है, एक ये मोड वाला बटन है, और यहाँ पर प्ले पॉज का बटन है, और ये वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए और सॉन्ग्स को फॉरवर्ड और प्रीवियस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर जो हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑक्स कनेक्टर मिलता है, ऑक्स से यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी वाला पोर्ट देखने के लिए मिलता है, अभी मैंने इसमें मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, और नीचे आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है। तो जल्दी से देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को, ये हमें कैसी साउंड प्रोवाइड करता है, और क्या ये 1000 के अंदर वर्थ इट है या फिर नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जो आप ब्लूटूथ का यूज़ करके इसमें सॉन्ग्स प्ले करोगे तो वहाँ पर मे बी हो सकता है कि आपको इसके वॉल्यूम कम देखने के लिए मिले, क्योंकि काफ़ी सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग म्यूजिक वाले जो ऐप होते हैं उनमें आपको साउंड क्वालिटी एकदम परफेक्ट वाली अच्छी नहीं मिलती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ माइक्रो एसडी कार्ड का चिप का यूज़ कर रहा हूँ, मैं चिप से सॉन्ग प्ले करूँगा। इसमें वॉल्यूम के 30 लेवल्स दिए हुए हैं, तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ और हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे धीरे धीरे। अभी माइक मेरा यहाँ पर लगा हुआ है और इसका फेस उधर की तरफ है, ये वॉल्यूम मैक्स हो चुका है। इसकी वॉल्यूम अगर जो बेस की बात करें तो बेस भी इसमें आपको परफेक्ट मिलता है, और वॉल्यूम के जो वोकल्स हैं और जो ट्रेबल्स वगैरह हैं वो भी अच्छे आपको साफ सुनाई देते हैं। मुझे कोई भी ऐसे मतलब इसमें फटी फटी आवाज़ देखने के लिए नहीं मिली, और वॉल्यूम काफ़ी लाउड है बजट के हिसाब से। बाकी हम बात करते हैं ओपन एरिया में कितनी दूर इसको लेके जा सकते हैं कि आपको तब भी साउंड ये प्रोवाइड करती है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कितनी दूर पहुंच चुका है, अभी भी मुझे साउंड आ रही है, आपको भी साउंड आ रही होगी उसकी म्यूज़िक की। तो ओपन में इस टाइम आप देख सकते हैं कि हवा भी चल रही है, हवा में भी ये आपको ऐसी साउंड प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम इसकी इंडोर साउंड को भी चेक कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड से भी सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा, ऑक्स से भी, और साथ में हम ब्लूटूथ से भी सॉन्ग को प्ले करेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस आता है ब्लूटूथ से और माइक्रो एसडी कार्ड से प्ले होने में। और मैं आपको एक और बता दूं, जो मैंने सॉन्ग्स में प्ले करूंगा वो 320 kbps में सॉन्ग डाउनलोड है, तो उससे भी सॉन्ग्स की वॉल्यूम में फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम प्ले कर लेते हैं माइक्रो एसडी कार्ड से सॉन्ग को, वॉल्यूम मैं मैक्स कर लेता हूं, तो वॉल्यूम मैक्स हो चुकी है। तो मैं सेम सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ ऑक्स केबल से, तो ऑक्स से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर सॉन्ग प्ले करता हूँ, वॉल्यूम को फुल करते हैं। ऑक्स से सॉन्ग प्ले करके भी मुझे वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं लगा, अब मैं प्ले करता हूँ ब्लूटूथ से। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ डिवाइस से, अब मैं सॉन्ग को प्ले करने वाला हूँ फ़ोन से ब्लूटूथ से, और देखते हैं कि हमें वॉल्यूम में कोई डिफरेंस मिलता है या फिर नहीं। तो मैं प्ले करता हूँ सॉन्ग को, वॉल्यूम को मैक्स करता हूँ, वॉल्यूम को मैंने मैक्स कर दिया है।
तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया होगा कि ब्लूटूथ से कितनी वॉल्यूम आती है और डायरेक्ट माइक्रो एसडी कार्ड या फिर ऑक्स से आप सॉन्ग प्ले करोगे तो क्या डिफरेंस आता है। मेरे अकॉर्डिंग 100% से 80% का डिफरेंस है। मतलब अगर जब ब्लूटूथ से कनेक्ट करके 100% भी वॉल्यूम करोगे तो वो नॉर्मल वॉल्यूम से 80% की वॉल्यूम पर आपको साउंड प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका डिफरेंस है अगर आप ब्लूटूथ से सॉन्ग को प्ले करते हो। बाकी हम बात करते हैं वॉल्यूम की, बेस की, तो मेरे हिसाब से सब कुछ बैलेंस। आप जो 100% भी वॉल्यूम फुल करके सुनते हो इंडोर रूम में भी, आपका काफ़ी बड़ा रूम भी है तो भी आपको बहुत ही अच्छी साउंड प्रोवाइड करेगा। अगर आप पार्टी भी करना चाहते हो घर में तो छोटी मोटी पार्टी के लिए भी ये काफ़ी बेस्ट है। तो आपने चेकआउट कर लिया होगा किस तरीके से इंडोर में साउंड प्रोवाइड करता है और किस तरीके से आपको आउटडोर में साउंड प्रोवाइड करता है। मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने इस साउंड बार पर नॉर्मल व्यूज़ भी लिए, लोगों को दिखाया भी है, तो उनके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी साउंड प्रोवाइड करता है 1000 के हिसाब से। मेरे हिसाब से भी आपको काफ़ी अच्छी साउंड प्रोवाइड करेगा ये, एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इसमें बस मुझे एक छोटी सी कमी लगी है, वो लगी है कि यहाँ पर अगर जो सी टाइप वाली चार्जिंग केबल हो जाती है ना तो मज़ा ही आ जाता है इस बजट में। अब हम बात करते हैं कि इसका बैटरी बैकअप कितना है और आपको क्या ये टीवी के लिए बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। इसमें आपको एक 2000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है जिसमें चार्जिंग होने में लगभग 5 घंटे के आसपास का टाइम लग जाएगा। कंपनी क्लेम करती है कि 70% वॉल्यूम पर आपको ये लगभग 15 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन मैंने इसको रेगुलर सुना वो भी 90% वॉल्यूम पर, तो इसने मुझे 5 आवर प्लस का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया जो कि इस बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है, वो भी 90% वॉल्यूम पर। अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि आपको एक रूम में रहकर इसके सॉन्ग वगैरह सुनने हैं या फिर कहीं बाहर जाके सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर जो आपको ये LED की अपनी स्मार्ट TV के लिए यूज़ करना है तो वहाँ पर ये परफेक्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो इसकी आउटपुट है वो सिर्फ 16 वॉट की है और नॉर्मली टीवी में आपको 30 वॉट 40 वॉट की आउटपुट देखने के लिए मिल जाती है। तो आप जो LCD वगैरह के लिए इसको बाय करने की सोचें तो आपको ये बाय नहीं करनी है, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ रूम वगैरह के लिए और बाहर घूमने के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छी वर्क करती है। तो आपके लिए सरप्राइज़ ये कि इस वीडियो में मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे के क्या क्या रूल हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है मस्ट, और नीचे कोई भी कमेंट कर देना है इससे रिलेटेड। ध्यान रखें कि सिर्फ आपको एक ही कमेंट करना है, एक से ज़्यादा कमेंट नहीं करने हैं। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं जेन्युइन वे से कमेंट पिकर से एक कमेंट को पिक करूंगा जैसे ही मेरी वीडियो पर 250 लाइक हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं हम टारगेट रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 250 लाइक्स का, और लाइव आकर मैं इसका गिव अवे अनाउंस करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर जो आपके कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करें। साथ ही अगर जो आपको इस साउंड बार का किसी और से कंपैरिजन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके साथ जितना जल्दी हो पाएगा इसका कंपैरिजन भी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।